अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के आशियाना स्थित केंद्र पर राधा अष्टमी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संकीर्तन, अभिषेक, प्रवचन एवं महाप्रसाद वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 12 बजे हरिनाम संकीर्तन से हुआ। सभी भक्तों ने मिलकर भगवान के मधुर नामों का हरे कृष्णा महामंत्र के साथ उच्चारण किया। इसके पश्चात श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया। सभी दीक्षित भक्तों एवं विशिष्ट अतिथि महेश चंद्र अग्रवाल, राजीव भंडूला, सतीश भंडूला आदि ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए केंद्र प्रबंधक श्रीमान अत्यंत सुंदरदास ने बताया कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, किंतु अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए वह दो रूप धारण करते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, जिसके कारण भगवान सदैव आनंदित रहते हैं। उन्होंने बताया कि राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी सेविका हैं। भगवान को आनंद प्रदान करना एवं भगवान की सेवा में लगे रहना उनका एवं समस्त गोपियों का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यदि हम भी इसी भाव से भगवान की सेवा करें तो हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े संत पुरुष, ऋषि मुनि तथा देवता आदि भी गोपियों का शरीर धारण करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के संयुक्त अवतार हैं। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु राधा रानी का भाव धारण करके, राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रदर्शन करके कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। इसी का प्रचार इस्कॉन संस्थान पूरे विश्व में प्रचार कर रही है। विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा आज के प्रोग्राम में मुरादाबाद के कोने कोने से आए भक्तों ने अभिषेक किया और हजारों भक्तों ने महाप्रसाद पाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समर्पित गौरदास, अनिकुल, हेग्रीव दास, सरन प्रिय दास, सचिदानंद दास, राधाकांत गिरधारी दास, विद्वान गौरांग दास, राधिका माधव दास, मोहित अग्रवाल, मनोज सिक्का, अभिषेक यादव, श्याम प्रजापति, अरुण प्रभु आदि भक्तों का सहयोग रहा। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आज ये राधाअष्टमी मनाया जा रहा है। तो बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। लगभग हजारों लोगों का यहाँ पर आगमन हो चुका है इस समय, और राधा रानी के अभिषेक की तैयारी चल रही है। फिर उनको छप्पन भोग लगाया जाएगा और उनके बारे में हम लोग गुणगान करेंगे, ग्लोरिफिकेशन करेंगे। इतनी भव्यता के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है और सबके साधन की भी व्यवस्था, तो राधा रानी की सबको कृपा मिले। आप सब भी निवेदन है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के लिए हम लोग जमीन की भी खोज कर रहे हैं ताकि लैंड मिले और भव्य मंदिर बने, ताकि लोग 10,000 लोग उसमें बैठ करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आप सभी मुरादाबाद के लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहीं कहीं जो है कि हम लोग मुरादाबाद शहर में कहीं जमीन दिलवाएं, तो हम लोग ये भव्य प्रोग्राम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें और लोग वैदिक संस्कृति से लोग जुड़े। हरे कृष्ण। हो गया ना? मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस्कॉन की कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो पहले चल रही थी, और आपको जो अफसाना का अंदर इस्कॉन जो आपका जो नया केंद्र बना है, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इमरानबाद में भी इस्कॉन का मंदिर बने। जरूर इसमें तो मैं कहता हूँ, जरूर करूँगा। और मैं वैसे इस्कॉन से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ स्थान प्रचार समिति जो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जो भी स्थायी वर्क हो, और आज पहले भंडारे होते रहते हैं, प्रचार होता रहता है, या आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्थायी काम होने वाला है। और हमारे राजीव भंडूला मेरे जो छोटे भाई हैं वो भी इसमें बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, मैं उनका भी जय दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।